गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर फोर्थ जो अपना ए पार्ट, अपने लेसन नंबर सिक्स स्वस्थ एवं सुखी जीवन, जिसका अपन ने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज बी पार्ट करते हैं कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप में हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसका रोजाना सफाई होती हो। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं। यह सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध ही पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो कह रहे हैं कि हमें घर की साफ सफाई ही साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें घर को भी क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू। तो सुषमा आकर बताती है कि दादाजी को कहती है कि हमें घर को साफ रखना चाहिए। तो दादाजी क्या कहते हैं, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने बहुत अच्छी तरह से अमल कर रखा है। कि बहू ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रखा है कि सुबह उठते झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल लें, कि तुम जैसे सुबह उठते हो, उठते तुम सबसे पहले क्या काम करते हो, पूरे झाड़ू लगाते हो। तो इससे क्या होता है कि दीवारों पर और फर्श पर धूल नहीं जमने देते, धूल नहीं होती है। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी होने से क्या होता है, कीटाणु फैलने के। अगर गंदगी आप झाड़ू वाड़ू नहीं लगाओगे तो मच्छर वच्छर हो जाएंगे, कीटाणु फैल जाएंगे, और कीटाणुओं से क्या होता है, बीमारी आती है। बीमारी से अपन साफ ने मन अपने बीमार हो जाते हैं। तो सफाई नहीं होने से क्या क्या, नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है वहाँ भी। और अगर आप साफ नालियों की भी साफ सफाई नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कीटाणु जमने शुरू हो जाते हैं, कीटाणु पलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार दादाजी ने आगे कहा कि हमें सुबह सुबह खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सुबह सुबह ही मॉर्निंग वॉक पर अपन जाते हैं तो वहाँ की जो ताजी हवा है वो क्या है, लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक क्यों जाते हैं, कि शुद्ध हवा मिल सके। और जब सर्दियाँ होती है या सुबह सुबह की जो धूप निकलती है वो भी हमें लेनी चाहिए, तो उससे धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो भी पानी पीते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए, पानी ऐसे कुएं से पीना चाहिए जिसकी रोजाना सफाई हो। तुलसी बोली, तुलसी है वो बोल रही है कि हमारे सर ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं। वो दादाजी कह रहे हैं, सही बताया तुम्हें गुरुजी, आपके गुरुजी ने, कि हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना ही चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज़ आई। जब हो गई कि दादाजी अब सब बातें कर रहे थे तो सुषमा ने आवाज़ लगाई कि अगर अब आपकी बातें हो गई तो मैं खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। अब तभी जैसे ही भोजन की आवाज़ लगाई तो दादाजी को याद आया कि बच्चों हमें भोजन भी शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिन बनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाले डीवॉर्मिंग की गोलियों से ये पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है, दादाजी कहते गए। क्या उन्होंने बाद में कहा कि जब खाने की आवाज़ लगाई तो उन्होंने कहा कि खाने से याद आया कि हमें खाना भी पौष्टिक और शुद्ध होना चाहिए। हमारा खाना खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिन भिन आती रहती है वो हमें कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको ढककर रखना चाहिए। फल होते हैं, सब्जी होते हैं, उनको धोकर अच्छी तरह से फिर खाना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से भी बीमार पड़ने का डर रहता है। कि कोई भी अगर चीज़ अपन पहले ही है फल फ्रूट उनको काट कर रख देते हैं तो उनसे भी अपन क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में आजकल क्या होता है, विद्यालयों में मिलने वाली जो डीवॉर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से भी क्या होता है, स्वास्थ्य तरोताज़ा बना रहता है, दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया, जब तक दादाजी कह रहे थे और खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया
कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी, खाने के साथ साथ वो ये भी बता रहे थे कि हमें कसरत भी, व्यायाम भी करने चाहिए, रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए, जैसे खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, तैराकी है, आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे दादाजी ने खेल बताए जिनसे हमारा एक शारीरिक व्यायाम हो, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, तैराकी आदि भले चंगे गेम होते हैं जिनसे हमारा शरीर व्यायाम पौष्टिक, एकदम हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तभी दादाजी भी टहलते टहलते, तभी दादी जी क्या हुई, टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तभी दादी जी टहलते टहलते आती है, वो भी कहती है कि थोड़ी बहुत मेरी भी सुन लो, कि कुछ भी मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी, और खुश रहना भी क्या है अच्छे से, दादी जी क्या कह रही है कि खुश रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे। न तो आपको गुस्सा करना चाहिए, न आपको चिढ़ना चाहिए, न आपको चिंता करनी चाहिए, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, कहें न हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तभी तो कहते हैं ना, हंसो हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो दादी जी भी ने भी एक बात अच्छी बोली कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, न किसी से चिढ़ना चाहिए, बस हमें धीरज और प्रसन्न रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये अपना लेसन कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।